रोड पे आ गया हूँ देखने के लिए कहाँ है क्या है, कॉल भी नहीं लग रहा है उसका, लेके आ रहा है। Hey guys, welcome back to new vlog। और जहाँ तक बात करें इस तबीयत की तो थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज गले में बहुत पेन है और वही पेन के कारण कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, कुछ ले नहीं पा रहा हूँ। बट तो आज मेरा मन भी नहीं था ब्लॉग करने का, बिकॉज मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। फिर भी मैंने ब्लॉग इसलिए किया बिकॉज आज का डे हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, 16 अगस्त। और एक्चुअली क्या है कि आज मम्मी डैडी का एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा ये चीज़ तो आप लोग के साथ शेयर करना बनता ही है, तो इसलिए मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल डे होता, तो मैं शायद ब्लॉग नहीं करता आज। बट कोई नहीं, दिन को करते हैं अच्छे से शुरुआत और मम्मी डैडी के लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे आज। बाकी चलिए करते हैं, मैं दिन स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि गला ख़राब है तो कोई भी हैवी मील नहीं लेंगे आज, दलिया खाते हैं। मैंने मम्मी को बोल दिया दलिया बनाने के लिए, तो मम्मी दलिया बना रही है मेरे लिए, दलिया खाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद शाम में जाते हैं कुछ लेके आते हैं मम्मी डैडी के लिए। मैंने बनाया आज भिंडी की सब्ज़ी। ये छोटी सी रोटी किसके लिए है? सीजर की रोटी। ये आलू, ये आलू दम है ना, आलू दम और दाल। यहाँ मेरा बना है दलिया और ये मेरे लिए बना के रखा मैंने दलिया, खाएंगे गर्म कर लेंगे थोड़ा सा पहले। सुबेरे बना दिया था मम्मी ने, तो उसको गर्म करके तब खाएंगे। आज का लंच यही होने वाला है, दलिया, एकदम पानी जैसी दलिया है। आज का लंच में यही करेंगे। सो गाइज, अभी सो के तो उठ गया हूँ, बट मैं अभी बाहर नहीं जा रहा हूँ, प्रशांत ऑलरेडी बाहर है, तो प्रशांत को बोल देंगे, प्रशांत ले आएगा केक वेक। बाकी डैडी ने एक सरप्राइज़ प्लान किया है मम्मी के लिए, तो मैं वहाँ जाऊँगा, मैं, दीदी, अब मे भी हो सकता है मम्मी भी जाएँ, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और इतने देर में प्रशांत यहाँ प्लान करेगा अपने घर पे केक वेक जितना भी है। तो चलिए चलते हैं। केक मैंने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अभी लेके नहीं आ पा रहा था प्रशांत, लेके नहीं आ पा रहा था। और डैडी ने जो प्लान किया है मम्मी के लिए लाने के लिए, वो सामान लेकर आ रेडी हो जाते हैं। और इसका क्या करेंगे? ये आज अकेला रहेगा, आत्मनिर्भर। ये हमारा आत्मनिर्भर कुत्ता है, ये हमारा आत्मनिर्भर कुत्ता है, ये हमारा आत्मनिर्भर कुत्ता है, सेल्फ रिलायंस कुत्ता। गाइस, मम्मी का आज मम्मी डैडी की एनिवर्सरी थी, तो डैडी ने मम्मी को एक ऐसा गिफ्ट दिया है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि क्या लेने वाले हैं हम लोग मम्मी के लिए आज। इतनी सारी अलमीरा थी तो, पर मम्मी को ये वाली पसंद आई, तो हम ये वाली घर लेके जाएंगे। दीदी ने पसंद की है और मम्मी ने पसंद की, मम्मी बोरी वहाँ पर है, तो ये मम्मी को अपनी एनिवर्सरी पर पसंद आया है। बहुत टाइम से हम लोग इसका सोच रहे थे, अलमीरा लेंगे अलमीरा लेंगे, तो बेस्ट चीज़ है ये। दीदी ने अपने लिए एक स्टडी टेबल भी लिया है, ये वाला। दीदी केक को कर रही है डेकोरेट और टेबल तो आ चुका है, अलमीरा अभी तक आया नहीं है, वो डिलीवरी कराएगा खुद, ये तो हम लोग खुद ही ले आए थे। सब लोग आ चुके हैं, मम्मी डैडी सीजर को लेके आ रहे हैं, दीदी केक भी रेडी है, कैंडल भी जल गया है। तो फाइनली सब लोग आ चुके हैं, प्रशांत भी, दीदी भी, हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में पांचों लोग मिल के। तो चलिए रेडी केक काटिए। ये क्या? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ओके, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी डैडी, देखो केक। मम्मी की फूक बड़ा इंटरेस्ट नहीं आज, देखा
डैडी सीधा कुछ इतना प्यार करते ना, होता डैडी से मिलता है। मम्मी देगी हम लोगों को, डैडी ने दे दिया अपने बच्चे को सीधर को। ओहो यहाँ पे दीदी एकदम मात खा गई। दीदी का आज व्रत है और केक प्रशांत को ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ज़्यादा केक नहीं खाऊंगा। नहीं मैं 12:01 पे खाना शुरू कर दूँगी। नहीं 12 बज के खाने तो 12:01 पे खा लेना। तो चलते आज डिनर करने बाहर ही चलेंगे। जो रात में 12 बजे के बाद खाओगी तो मम्मी को साउथ इंडियन बहुत पसंद है, तो अभी हम लोग डोसा वाला खाने बाहर जाएंगे यहीं पास में। ज़्यादा बड़ा बाइट मत देना, मुझे थोड़ा सा ही देना बस। लो शूट करो फटाफट। जब खांसी आ रहा है तो हम नहीं दूर रहते। बच्ची बैठी है, लड़ाई हो रहा है कौन किसको क्या खिलाएगा। हम खाएंगे ना केक। तो वही कह रहा हूँ। उल्टा सीजर को देखना, सीजर एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहा है। हमारी मम्मी खाने में बहुत आगे रहती है हमेशा शुरू से। मम्मी को इतना अच्छा गिफ्ट मिला, मम्मी बहुत खुश भी है, इसलिए मम्मी बहुत तैयार होकर बैठी है। मम्मी को खाना पहनना तैयार होना बहुत पसंद है। तो चलिए करते हैं डिनर, चलते हैं डिनर करते हैं। फिर चलिए अब ये तो हो गया है, चलते हैं डिनर करके आते हैं। मम्मी अपना शूटिंग करवा रही है, पिक्चर क्लिक करवा रही है, वो अपने पोस्ट करेगी फिर अपने व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स को सबको देगी दिखाएगी। सिज़र मान नहीं रहे तो इसलिए डैडी इसको और थोड़ा सा दे देना, थोड़ा सा। अरे चम्मच से ही खा गया। सभी लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, डैडी है, मम्मी है, प्रशांत है और मैं। दीदी का आज फास्ट है तो उसका आना ठीक नहीं है, और सीज़र भी घर पर अकेले है तो सीज़र के भी दीदी ध्यान रख लेगी और अपने घर पर भी रहेगी। तो मैं तो कुछ ज़्यादा खाने वाला हूँ नहीं बाहर का, ऑयल वॉयल, बट यही लोग खाएँगे तो मैं ऐसे साथ में चल ले रहा हूँ। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी होगा खा लिया जाएगा, बाकी मेरा दलिया रखा है घर पे वो खा लेंगे। तक अलमीरा तो नहीं आई है, बट जो दीदी का स्टडी टेबल और वो जो साइड टेबल है डैडी के लिए वो तो हम लोग खुद ही ले आए थे गाड़ी में रख के, बट अलमीरा नहीं आई। कोई नहीं, हम लोग जा रहे दुकान वाले से बात हो गई, बोला कि पहुँचा देगा। चलिए देखते हैं। जो रेस्तरा है मम्मी को जो पसंद है जिसका साउथ इंडियन, वो बहुत पास में ही है, इसलिए हम लोग वॉक करके ही चले जा रहे हैं। यहाँ पे डैडी ने ऑर्डर किया अभी पहले सांभर डोसा, अरे नहीं सांभर बड़ा, और हाँ सांभर बड़ा ऑर्डर किया डैडी ने सबके लिए। मम्मी लोग भी खाएंगे और ये खाएगा, और बाकी डोसा भी मंगाया है। तो अभी तो ये आ गया है सांभर, अब बड़ा आएगा तो पहले सांभर बड़ा खाएंगे और उसके बाद डोसा खाएंगे। तो बड़ा भी आ गया है, बड़ा अच्छा लगा। डोसा मंगाया, देखना कितना बड़ा डोसा है। मैंने तो खा लिया है खाना और चलेंगे घर। प्रशांत कहाँ है? एक्चुअली क्या है ना, मम्मी डैडी जल्दी बाहर निकलते नहीं हैं, तो आज बहुत टाइम बाद निकले हैं, तो इसलिए हमने मना भी नहीं किया, वरना तो आप देख ही रहे कि सब 24 घंटे मम्मी डैडी घर पे ही रहते हैं। तो आज इन लोग की एनिवर्सरी भी थी तो मना करना अच्छा भी नहीं लगता है। और मम्मी को वैसे भी साउथ इंडियन बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन मम्मी को भी रेस्ट दिया जाए। चाहते तो घर पे ला सकते थे, पर वो मसाला डोसा घर पे ला के खाने वाली चीज़ नहीं होती है ऐसा हमें लगता है, बिकॉज़ वो पूरा एकदम ख़राब हो जाता है मतलब। तो अच्छा है, मम्मी भी खुश, हम भी खुश, हैप्पी एनिवर्सरी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा था तो मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, और पता नहीं वो लोग पीछे रह गए शायद, 2 मिनट रुक के वेट कर लेते हैं। आ गया वो लोग उस पार, देखो ये रहे। चलिए चलते हैं। वहाँ पे ताली वाले का ऑर्डर तो दे दिया था,
और बोल दिया था कि घर लेके आ जाओ, पर अभी 2-2.5 घंटे से ऊपर हो गए हैं और अभी तक वो आया नहीं है। अजीब सा लग रहा है अंदर से कि ये क्या हो रहा है। लग रहा है गिफ्ट क्या बोला भी जा रहा है, गिफ्ट ख़राब ना हो जाए। कोई नहीं, देखते हैं क्या है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, सबर का फल देखते हैं कैसा होता है। तो भाई 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और नहीं आया है अभी तक। अब रोड पे आ गया हूँ देखने के लिए कहाँ है क्या है, कॉल भी नहीं लग रहा है उसका जो लेके आ रहा है। बाकी दुकान वाले को फ़ोन किया है तो बोल रहा है कि विश्वास का बंदा है, आ जाएगा। क्योंकि हाँ ठीक है, आ तो जाएगा पर आएगा कब। फाइनली आ गया है, 4 घंटे लगाए भाई इस बंदे ने यहाँ तक आने में। यहाँ खड़ा कर दिया इसको और उसको सेटल सवेरे करेंगे। और हमने वहाँ पे कुछ और पसंद किया था, फिर बाद में मम्मी को ये वाला पसंद आ गया तो इसलिए ये वाला लेके आए हैं। अच्छा भी है, यहाँ पे रहेगा अच्छे से। अब इसको सेटल सवेरे करेंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तबीयत थोड़ी सी नॉर्मल लग रही है पहले से, बिकॉज अलमीरा आने की इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी कि मैं भूल ही गया कि मुझे कोल्ड वोल्ड है। बट थोड़ा सा फिर भी मैं दवाई खा के ही सोऊंगा। तो सब कुछ हो चुका है, खाना खा चुके हैं, घर वापस आ चुके हैं, नहा भी चुके हैं एक बार फिर से। तो व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ओके बाय। चटनी अंदर है ना, सांभर तो ला देते हैं।